तो शुरू करते हैं थैलोफाइटा से। तो इनको थैलोफाइटा बोलने का अर्थ है थैलस जैसे शरीर, जो आम पौधों की तरह जड़, तने या पत्तियों में विभेदित नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर यूलोथ्रिक्स, जिनमें आप देख सकते हैं ना जड़ है, ना तने, ना पत्तियां। इस समूह को शैवाल और अंग्रेजी में एल्गी भी कहते हैं। क्योंकि ये ज्यादातर पानी में रहते हैं, इसलिए इन्हें जलीय या एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स कहा जाता है। इस समूह के कुछ समान उदाहरण हैं अल्वा, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, क्लाइडोफोरा इत्यादि। इससे पहले हम आगे बढ़े, ये सारांश आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब एक प्रश्न का जवाब दीजिए। डिविजनल थैलोफाइटा की सबसे अधिक परिभाषित अभिलाक्षणिक विशेषता है, और ऑप्शन आपके सामने है जलीय आवास, अविभेदित शरीर, कोई बीज नहीं, या लंबे पौधे। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। इसका सही उत्तर है बी, अविभेदित शरीर। डिविजनल थैलोफाइटा की सबसे परिभाषित अभिलाक्षणिक विशेषता शरीर की तरह उनका अविभेदित थैलस है, जिसमें जड़, तना या पत्ते नहीं होते हैं। धन्यवाद।